सो व्हाट्स अप गाइस, आज हम कर रहे हैं नया मोटो व्लॉग और मैं चला रहा हूँ अपनी फ्रेंड की हॉर्नेट, होंडा हॉर्नेट 180, हाँ होंडा हॉर्नेट 2.0 जो कि है 184 समथिंग सीसी, आई डोंट नो, मे बी याद नहीं। तो अभी हम चला रहे हैं इसको, इसका है स्टॉक एग्जॉस्ट, अब फुल बाइक स्टॉक है, तो देखते हम सिर्फ चला के मज़ा लेंगे, खींचेंगे इसको। तो फिलहाल हम कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे मुझे उसका रास्ता नहीं पता, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने दोस्त को। बारिश भी आने वाली है, तो मेरा गोप्रो तो वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि केसिंग लगी है, तो देखते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ओपन रास्ता नहीं है और बहुत ही बड़ी वाली बारिश होने वाली है। अभी क्या हुआ, इस बाइक को अचानक से जीरो पे आ गई, 0 किलोमीटर्स, और थ्रॉटल भी बंद हो गया। थर्ड गियर में 90 और 9500। फोर्थ गियर में 109। नेकेड बाइक में टैंक स्लैपर आ सकता है इसलिए, और रास्ता ख़त्म हो गया। फिफ्थ गियर में मैंने की 117 मैक्स। इसके फर्स्ट और सेकेंड गियर में कितना जाते वो तो अभी तक हमें नहीं पता। सेकेंड गियर में 67। मेरा दोस्त मेरी R15 चला रहा है, जो कि अभी जिसको मैंने अभी पास किया, तो आएगा आगे। कितना ट्रैफिक मैंने आज तक पहले गोवा में कभी नहीं देखा, और वो बात अलग हो सकती है कि मैं एक टाउन या फिर विलेज से हूँ, तो वहाँ पे इतनी सारी गर्दी, मतलब क्राउड नहीं होती, और ये एक शहर है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मॉल दी गोवा, जो कि पोरवरिम में है गोवा। आज ही हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तो हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, देखते हैं। सीधा रास्ता है,
पहले गियर में तो देखा ही नहीं कि कितनी जाती है। पहले गियर में 39, भाई गरम हो रहा है, गरम हो रहा है नीचे। भाई कहाँ पे है सब लोग, गायब भी हो गए। मॉल दी गोवा